हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज़ यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट इट्स सेंटेंसेस, राइट। सो बिफोर इट लेट रिवीज वंस मोर टाइम। सो वी हैड डिस्कस्ड yesterday that what is the mean of future perfect tense. So ek baar fir se revise kar lete hain. So the future perfect tense kya hota hai? Future perfect tense mein jo hai hum aise cheez ki baat karte hain, aise kisi action की बात करते हैं जो कि वो फ्यूचर में होने वाला होगा और वो हो चुका होगा, राइट। तो ऐसे जब किसी हम सेंटेंस में सेंटेंस का हम जिक्र करते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं कल इतने बजे तक सो के उठ चुका होगा। सपोज मैं अभी प्रेजेंट में खड़ी होकर किसी फ्रेंड से बोल रही हूँ कि मैं कल सुबह 6 बजे तक सो के उठ चुकी होंगी, राइट। तो सी चुकी होंगी, राइट। सो बेसिकली मैं कल की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कल पर्टिकुलर एक ऐसे टाइम की बात कर रही हूँ जब तक कि मेरा एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका होगा। तो ऐसे इस टाइप के किसी भी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अब इधर देख लीजिए एक बार। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द फ्यूचर, ओके। तो होप आप समझ गए होंगे। अब जो है इसके इसको लिखने का फॉर्म्यूला देख लेते हैं, ओके। तो प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिखने के लिए, इन पॉजिटिव सेंटेंस लिखने के लिए हमें पहले क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब के वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। फिर नेगेटिव में क्या है? नेगेटिव है सब्जेक्ट, पहले क्या था? विल के बाद हैव था, अब विल के बाद क्या है? नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस हैव, और हमेशा वर्ब के साथ क्या लगेगा? पास्ट पार्टिसिपल, या आप कह सकते हैं कि वर्ब के साथ उसका थर्ड फॉर्म लगेगा एंड ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो आप मैं ये मेरा सजेशन रहेगा कि टेंसेस को पढ़ने के लिए या ड्यूरिंग द जब भी आप स्टडी करोगे टेंस का, उसके पहले एक बार आप वर्ब के जितने भी फॉर्म्स हैं उसके बारे में फिर से रीड कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होगा, बिकॉज अलग अलग टेंसेज में अलग अलग वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है, राइट। सो दैट आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग पहले वर्ब के फॉर्म्स अच्छे से देख लीजिए, ओके। फिर क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को पता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, हम किसी ऐसे सेंटेंस में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रेज किया जाता है। तो जो है क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। विल से जो है हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, देन सब्जेक्ट विथ हैव, उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइजेस देख लेते हैं कि कैसे हैं। सो हियर इट इज, ओके, ये हैं आपके एक्सरसाइजेस। तो देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। मैंने एक पहले से डन कर रखा है आप लोग के कन्वीनियंस के लिए। तो पहले हम उसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसमें वर्ब्स जो है वो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं इसके हम, और हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स है इसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें फिल करना है, ओके। तो स्टार्ट करें। देखिए पहला क्या है? बाई नेक्स्ट वीक
वी, यहाँ पे ये डैश होता, विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अगले महीने, अगले हफ्ते तक वी विल हैव अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, मतलब अगले हफ्ते तक जो है हम जो है बहुत सारे मनी को क्या है अर्न कर चुके होंगे, हम बहुत सारे मनी बहुत सारा पैसा हमें मिल चुका होगा या हम कमा चुके होंगे। ठीक है, अर्न से यहाँ पे दो तरह का, या तो मिल चुका होगा या तो फिर कमा चुके होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, चुके की बात हो रही है, मतलब पहले तो वो फ्यूचर की भी बात कर रहा है, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है जो कि अभी नहीं आया है, प्रीवियस वीक, मतलब जो वीक बीत गया है उसको बोलते हैं प्रीवियस, बट यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात आ रही है जो कि अपकमिंग वीक है। ठीक है, तो बोल रहा है अपकमिंग वीक मतलब नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वीक तक हम बहुत सारा, मतलब लॉट्स ऑफ मनी जो है वो अर्न कर चुके होंगे। अर्न यहाँ पे जो है वर्ब है और उसमें पास्ट पार्टिसिपल लगाने के बाद इट्स बिकम अर्नड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं नेक्स्ट आपको करके बताती हूँ। आई, आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई शैल हैव प्रिपेयर्ड, PREPAREED, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप। ठीक है, मैं जो है नाश्ता तैयार कर चुकी होंगी जब तक कि बच्चे उठेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली सेंटेंस का क्या है, सेंटेंस की सिचुएशन है कि मतलब जो एक लेडी है वो, या लेडी है या कोई भी एक पर्सन है, वो क्या बोल रहा है कि आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, बच्चे के उठने तक। ठीक है, तक मतलब बाय, बच्चों के उठने तक या जागने तक मैं ब्रेकफास्ट जो है वो प्रिपेयर कर चुकी होंगी या चुके होंगे या चुका होंगे। ठीक है, सो आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन वेक अप, मतलब बच्चों के उठने तक वो अपना काम कर चुकी होगी। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेन विल, विल इसलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, द रेन विल हैव स्टॉप्ड STOPPED स्टॉप्ड बाय टुमारो। ठीक है, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, तो बारिश जो है कल तक रुक चुकी होगी। राइट, अब देखिए बाय द टाइम, इसका वर्ब नहीं दिया है, सो वर्ब शुड बी हियर कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। राइट, सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाय द टाइम आई शैल, या आप लोग विल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आई शैल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड माई वर्क, मैं मतलब मैं समय तक, मैं उस समय तक भी बोल सकते हैं, उस समय तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग नेगेटिव भी बनाते हैं, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड
received enough score by the summer, मतलब गर्मियों तक उसे जो है अच्छे स्कोर नहीं, enough score या अच्छे स्कोर जो है नहीं मिल चुका होगा, राइट। अब देखिए, द रेन विल नॉट हैव, ठीक है, स्टॉप है तो पास्ट पार्टिसिपल लगने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड बाय टुमारो। हमने प्रीवियस में अभी पढ़ा इसका पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसी को जो है हम नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट विल और हैव के बीच में जो है हमें बस नॉट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करने से ये क्या सेंटेंस बन जाएगा, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, ठीक है, जो बारिश है वो कल तक नहीं रुक चुकी होगी, या कल तक बारिश नहीं रुक चुकी होगी। तो मैंने प्रीवियस में ही बोला था कि जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बहुत रेयर ही यूज़ होता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एज अ हम ग्रामर पढ़ रहे हैं एंड वी हैव टू नो ऑल द रूल एंड फॉर्मूलाज। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, माई मदर विल, पहले ही पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लगाना है, विल लगाना है, उसके बाद अगर इसको पॉजिटिव में बनाना है तो उसके बाद हम लोग हैव लगा सकते हैं, और अगर नेगेटिव बनाना है तो हम लोग नॉट लगाएंगे, नॉट हैव। वर्ब देखिए क्या है, प्रिपेयर, तो प्रिपेयर है तो उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड, राइट, तो प्रिपेयर्ड prepared breakfast by the time my father and brother wake up, ठीक है, तो मेरी मम्मी मेरे पापा और भैया के जागने से पहले breakfast prepare नहीं कर चुकी होंगी, और अगर not नहीं होता तो prepare कर चुकी होंगी। okay students, next देखिए, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैंक्स है तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ये कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट, तो हम लोग ही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, विल। ऑल दो आप लोग आई और वी के साथ भी विल लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं, मैंने बोला है पहले कि मॉडर्न इंग्लिश में जो है अब शैल का जो है वो यूज़ जो है अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, बट हमें शैल का भी यूज़ जानना है एंड विल का भी यूज़ जानना है, सो दैट ही है थर्ड पर्सन, सो हमें विल लगाना है, तो विल ही हैव, फिनिश है तो फिनिश के साथ इसका पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, क्या वो अपना काम 5 बजे तक पूरा कर चुकेगा या पूरा कर चुकेगा, ठीक है। अब क्या है, फिर से द कॉन्सर्ट, ओके, तो विल विल द कॉन्सर्ट स्टार्टेड स्टार्टेड बाय 20 मिनट्स, क्या कॉन्सर्ट 20 मिनट देखिए ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट मैंने पहले भी बोला कि हम मॉडर्न इंग्लिश में या जब हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो इसका हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके बोलते हैं, बट ये आइडियली है विल द कॉन्सर्ट स्टार्टेड बाई 20 मिनट्स, ठीक है, ये बोलने में मतलब ऐसे अगर हम लोग बोलते हैं तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे, बट इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या कॉन्सर्ट 20 मिनट में शुरू हो चुकेगा,
ठीक है, इसका मतलब ऐसे होगा, राइट। तो हमें कभी कभी जो है सेंटेंसेस को जो है कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा मॉडिफाई थोड़ा सा कर लेना चाहिए, थोड़ा सा उसको अपने अपने सिचुएशन अपने स्टाइल से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं, राइट। तो अब ये देखिए ये क्या है, विल, तो विल होगा यहाँ पे, विल पीपल्स लीव्स changed changed by 10 years, क्या लोगों की जिंदगी या लोगों का रहन सहन तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लाइव्स मतलब। सो विल पीपल्स लाइफ चेंज्ड बाई 10 years, 10 साल, क्या 10 साल में लोगों की जिंदगी चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डिस्टेंस स्टूडेंट्स, होप यू आर अंडरस्टैंड इट वेल, और इफ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग डिस्टेंस देन यू कैन कॉल टू मी एनी टाइम, राइट। एंड जस्ट ट्राई टू कंप्लीट योर नोट्स एट द सेम डे, इससे क्या होगा आपका पेंडिंग भी नहीं होगा, और कंप्लीट करने के बाद जो है उसको रीड करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि आप लोग वीडियोस देखते हो बट वीडियो को एक भी लाइक नहीं मिलती है, सो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो मैं अपील करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।